सभी को नमस्कार और शीर्ष नेतृत्व को मेरा प्रणाम। ये सब लोग स्वयं ही आए हैं, 27 गांव के लोग इस समय यहाँ बैठे हैं और जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ की टिकट फाइनल हो गई है जो आदरणीय प्रिय रंजन आशु देवाकर जी को दी गई है। तो यहाँ की जनता का यही कहना है कि हम हैं, पार्टी के साथ हम हैं, लेकिन आपने हमारा जो नेता है उसे कोई सम्मान नहीं दिया है, टिकट तो पहले ही नहीं दी है, जबकि ये जानते हैं कि यहाँ का 40 से 50 हज़ार वोट है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखा ही नहीं है। और अब इस स्थिति पर आके जब ये अपना वोट किसे दें फिर आप, या तो आप इनके नेता को सम्मान दीजिए, धनगर को एक अच्छा वो दिलाइए, एक सम्मान दिलाइए उन्हें, एक समाज में एक जगह दिलाइए जो आज तक नहीं मिली है उन्हें, इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी पर वार्ता चल रही है। क्या लगता है अगर बीजेपी से आशु देवाकर को टिकट मिलती है तो ये लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे? देखिए हम तो बीजेपी के साथ हैं, अगर ये लोग हमें सम्मान देते हैं, हमें सम्मान मिलता है, कोई हमें उच्च पद देते हैं तो हम अपनी जो हमारे जो जाति है उसे हम कहेंगे कि हाँ आपके साथ। अगर पार्टी आपको कोई सम्मान नहीं देती है तो फिर क्या ये लोग वोट किसमें करेंगे? आशु देवाकर को वोट नहीं करेंगे? फिर ये इनकी अपनी राय है, जनता की अपनी राय है। नीता धनगर को सम्मान नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। अगर आपकी जिला नेतृत्व की बात हुई, उस मामले बात हुई अभी तक? कोई और आपको कोई आश्वासन ना मिला, फिर आप क्या करेंगे ये लोग? हमारा समाज निर्णय करेगा क्या होना है, समाज के लोग गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, ये सभी निर्णय करेंगे, ये लोग चाहेंगे उसको हम समर्थन देंगे। अभी तो हम बीजेपी के साथ हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ आएंगे, नीता धनगर को सम्मान देंगे तो हम उनके साथ तन मन धन से हमेशा तैयार है और तत्पर रहेंगे। किस प्रकार का सम्मान चाह रहे हैं आप? सम्मान जो हमारा कहीं हमारा वजूद ही नहीं है, हमारे 40,000 वोट है, हमारा विधानसभा में क्षेत्रीय ब्रज क्षेत्र में एक टिकट दिया आपने बीजेपी का, सिर्फ प्रेमपाल धनगर साहब को। हमारा इतना गढ़रिया समाज इतना है पूरे ब्रज क्षेत्र में जो कि हिल जाती है, सब पार्टियां हिल जानी चाहिए, लेकिन कहीं कोई सम्मान नहीं। क्यों नहीं सम्मान? क्योंकि हमारा कोई ऐसा लगता है उनको का, इनका ये तो एक मक्खी की तरह है, इनको निकाल के फेंक दो, दूध की मक्खी है, इसको निकाल के फेंक दो, चूस के फेंक दो, चूसो और फेंक दो। चुनाव से पहले कोई लगता है कोई पद मिल सकता है आपको, सम्मान मिल सकता है? ये तो पार्टी करेगी, अब हम इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो हम पद देगा, नहीं चाहेगा तो इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं इस संबंध में। जैसे हमारा लेकिन हमारे समाज को सम्मान मिलना चाहिए, हमारा जो ब्रज क्षेत्र में सिर्फ एक, हम इस लायक नहीं है कि हम एक ही सीट पर संतुष्ट हो जाएंगे। अब तो टिकटों घोषणा भी हो चुकी है, अब सीटों की घोषणा, मतलब क्या बदलाव चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? बदलाव अब तो शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा उसके लिए शीर्ष नेतृत्व से वार्तालाप होगा तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए जो उन्हें करना था वो कर चुके, अभी बीच में टिकट होल्ड हुई थी तो लगा था कि ये महिला को धनगर को इन्होंने जैसा कहा कि देंगे, तो सभी को लगा किसनी की जनता को लगा कि हाँ शायद बदलाव आएगा, चेंज आएगा, कोई मिरेकल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आपको यही डिसीजन लेना था तो ये डिसीजन आप पहले भी ले सकते थे, इतना होल्ड पे क्यों रखा आपने, ठीक है, जनता को इतना क्यों वो किया आपने? तो अब यही है कि चलो आपने इन समीकरणों को ध्यान में नहीं रखा, हम तो बीजेपी में है, पार्टी में है, तो जो वो कहेगी हम वो करेंगे, लेकिन ये है किशनी की जनता, अब इनका फैसला है, इनका वोट है, एक एक वोट अमूल्य है, तो अब वो इन पर निर्भर करता है कि ये क्या करते हैं, और अब शीर्ष नेतृत्व पर ये निर्भर करता है कि अगर उन्हें ये वोट चाहिए, यहाँ से सीट चाहिए, तो ये हमारे धनगर जाति को, हमें जो हम इनके नेता है, हमें सम्मान दें, हमें वो स्थान दें ताकि हम इनकी सहायता करें। अगर मतलब सीट किसी और को दे दी गई तो ये सीट चली जाएगी, टिकट किसी और को दे दी गई आपके मतों के मुताबिक? नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा ना कि अगर धनगर समाज को टिकट नहीं दिया तो ये सीट चली जाएगी। ये हमारा पहले था जब होल्ड पर थी जब सीट, तब सबको ऐसा ही लगा कि जो इन्होंने कहा है कि एक महिला को देंगे, एक धनगर को देंगे, लेकिन ये समीकरण इन्होंने कहीं नहीं अपनाया,
सिर्फ एक टूंडला पे सीट दे दी गई धनगर प्रेमपाल धनगर जी को, तो इन्हें क्या लगता है कि एक धनगर को टिकट देकर क्या ये पूरे यूपी का जो है उनको उनको सहायता दिलवा देंगे? टिकट ना मिलने से धनगर समाज नाराज है, बिल्कुल नाराज है।